I declare the convocation 2021 of Tirthankar Mahavir University open. His Excellency, Honorable Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, Dr. Dinesh Sharma ji, Sri Bhupender Singh Chaudhary ji, Cabinet Minister Panchayati Raj, Government of Uttar Pradesh, Mayor Moradabad, Sri Vinod Agarwal ji, MLC, Dr. Jaypal Singh West ji, and MLA Sri Ritesh Kumar ji, Sri Suresh Jain ji, the Chancellor of the Tirthankar Mahavir University, Sri Manish Jain, Group Vice Chairman, Sri Akshar Jain, Member Governing Body, members of the Timid Society, esteemed members of the Governing Body of the University, Executive Council and Academic Council, faculty members and the staff, dear graduating students, parents, distinguished invitees, friends from media, dear students, ladies and gentlemen, it's my privilege to welcome you all on this auspicious occasion, the fifth convocation on behalf of the Tirthankar Mahavir University. We are greatly honored and privileged to have Honorable Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh as the chief guest on this solemn occasion to deliver the convocation address and bless the graduating batches of 2018, 2019, and 2020 who are present here in both online and offline mode. Our honors, Nikita Dhal, MBA, Nikita Upadhyay, BSc Honors Maths, Kamal Kumar. परम आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, कैबिनेट मंत्री पंचायत राज उत्तर प्रदेश, मंच पर उपस्थित अति सम्मानित विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और हमारे सभी सहयोगी और सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं पर नाम नहीं ले रहा हूं, थोड़ा समय की कमी है। आपको ठोकरे लगेंगी और सीधा चल रहा है, और जब कभी भी जिंदगी में कहीं भी आप हो, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के कंधे बहुत मजबूत हैं। पूरे देश में हो आप, विदेश में हो आप, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स हमारे वहाँ हैं, आप हमारे आज के टीचर्स जैसे बहुत से टीचर्स भी वहाँ हैं, कभी भी कोई दिक्कत हो तो आधी रात में भी याद करना, हमारे लोग वहाँ होंगे आपकी सेवा करने के लिए और आपको आपकी मदद करने के लिए। यूनिवर्सिटी ने आपके साथ क्या किया, आप लोग यूनिवर्सिटी के साथ ये जरूर करना कि जहाँ भी रहो इतना जरूर ख्याल रखना कि अपना नाम रोशन करना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, अपने गांव, शहर, कस्बे का नाम रोशन करना और यूनिवर्सिटी का नाम भी रोशन करना, क्योंकि आप ही हमारे एम्बेसडर्स हो। मैं पुनः आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हमें अभी माननीय मंत्रीगण को भी सुनना है, मैं अपना स्थान लेता हूँ और आप सबको एक बार पुनः दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आशीर्वाद, फूलों फलों मौज। भारत के भविष्य में अपना योगदान करने वाले और आज के सफल शिक्षार्थियों का मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे इस बात का सदैव संतोष है कि मैंने इस अवसर पर आपके बीच में उपस्थित रहने का मुझे मौका मिला है। इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी, हमारे भाई बहन अपनी शिक्षा और दीक्षा को साकार रूप लेते हुए अपने आप को बहुत प्रफुल्लित महसूस कर रहे थे, उत्साहित थे। मैं अपने नेता प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की उपस्थिति को सादर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उन्होंने हम लोगों का मान सम्मान बढ़ाया है आज की उपस्थिति से।
मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और मुझे विश्वास है कि ये विश्वविद्यालय हमारे इस क्षेत्र में शिक्षा से जुड़े विषयों को हमेशा छात्रों को तैयार करके हमारे क्षेत्र का, हमारे प्रदेश का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में विकास में अपना योगदान करेगा। एक बार पुनः आदरणीय सुरेश जैन जी का, आदरणीय मनीष जैन जी का और सभी सम्मानित जनों का मैं अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में इनके निमंत्रण पर मैं यहाँ आया हूँ, ऐसे सम्मानित कुलाधिपति श्री सुरेश जैन जी, आदरणीय श्री मनीष जैन जी, आदरणीय अक्षत जैन जी। कुलाधिपति एक तरीके का पिता होता है विश्वविद्यालय परिवार का, तो पिता की अपने पुत्र और पुत्रियों के प्रति जो चिंता थी वो मैंने साफ देखी। आज जिन लोगों ने सफलता प्राप्त करने के बाद यहाँ पर आए हैं, मैं उन सबको बधाई देता हूँ। आप आगे बढ़ें, आप सफलता को कदम आपका चूमें। लेकिन एक चीज़ याद रखना आप कि मैंने तीर्थकर यूनिवर्सिटी को चुना, क्यों? मैं बहुत कम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गया हूँ। हमारी सत्ता जो सरकारी विद्यालय है उसमें सब में मैं गया हूँ, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चुनकर जाता हूँ जहाँ पर शिक्षा का स्तर अच्छा होता है। और मैंने पहले इनका विश्लेषण किया और विश्लेषण करने के बाद मुझे इनके सारे कोर्सेस की विश्वसनीयता पर मुझे विश्वास आया और मुझे लगा कि विदेशों के लोग पढ़ने के लिए अब हमारे मुरादाबाद ऐसे छोटे शहर में तीर्थकर यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। ये बड़ी बात थी। अब तो मुरादाबाद हमारा बहुत व्यवसाय की दृष्टि में बहुत आगे है, एक्सपोर्ट की अवस्था में बहुत आगे है। अब तो मैं कह सकता हूँ कि चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा मुरादाबाद बहुत आगे बढ़ रहा है। ये सरकार का, अभी मैं देख रहा था कि मुरादाबाद में 1000 बेड का हॉस्पिटल तो केवल तीर्थकर में है, ये भी बड़ी बात है। चिकित्सा की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो, स्वास्थ्य के संबंध में हो, रोजगार के अवसर हो, व्यवसाय संपन्न हो, वही जिला, वही शहर मजबूत होता है। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मुरादाबाद काफ़ी आगे बढ़ रहा है और शायद सरकार की भी यही नीति है। इसलिए जो आज आपको एक गले में लटका हुआ, हो सकता है ये 200, 300, 500 का ये मेडल हो, इससे ऊपर की कीमत ना हो, लेकिन इस गले की फोटो को एक संभाल कर रखना मोबाइल में, जब परेशान हो तो इस मेडल को जो हाथ में लिया हुआ तुम्हारी फोटो है उसको ताक लेना और ताक लेना, ये तुम्हारी क्षमता का जो मापन था ये तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा।